इसमें गलती है तो ईमान की, सुवीर की, विराज की और कहीं ना कहीं मेरी भी। थोड़ा जल्दी से तैयार हो जा, हम जा रहे हैं। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मुझे पता है कि अमला रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं जाना चाहती। वीर के लिए प्यार करती उससे, कोई लाडी जाएगी उसका लाडा जेल जाए। ये है हमारे गले की हड्डी। मैं जानती हूँ अमला कहाँ है। तेरे लिए। क्या? अरे लाडी यहां नहीं, शहर में ऐसे पहनते हैं। हाथ जोड़ता मैं भीख मांगता, मुझे अमला का पता दे दो। इतने एक पल के लिए भी मुझे अपना दोस्त माना होगा तो मुझे अमला का पता दे दो प्लीज। आज फिर से तेरा सामना होगा अमला। ऐसा लगता है जैसे किसी और जिंदगी में मिले थे हम, और अब सब कुछ कितना अलग है, सब कुछ बड़ा है।
ये इतनी रात को बाहर कैसे? तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इतना सब कुछ हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस किस से बचाऊं। मेरी बात मानो, अंदर जाओ। ये इतनी रात को बाहर कैसे? इतना सब कुछ हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस किस से बचाऊं। मेरी बात मानो, अंदर जाओ। इधर रहता है तो अमला क्या उसके साथ नहीं रहती? पर वो तो ब्याह करके लाया ना उसे, फिर उससे अलग। मासो, जल्दी आओ ना, लेट हो जाएगा। आ रही हूँ ना।
चलो जल्दी आओ। कैसे हो बेटा? कि देव की हिम्मत कैसी हुई तुम पर गोली चलाने की? वीरेन ठीक कहता था, पागल है वो आदमी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो चाची, इट्स ओके। अगर मुझे कुछ होता तो किसी और को ही फायदा होता। प्रॉफिट एंड लॉस चाची, बिजनेस का सबसे पहला उसूल। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर देव मुझे मार डालता तो मेरे दुश्मन को भी फायदा होता। देव को तो फांसी हो ही जाती, सो टेक्निकली मेरे दुश्मन के दो दुश्मन खत्म हो जाते। चाचू आप तो समझ ही गए होंगे। नहीं मामा जी, चाचू को प्लीज समझा दीजिए। इवान, सुबीर से पहले इस घर के बेटे तुम। ओ चाची, लगूंगा। अरे दीदी, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हैं? इवान की तो हमेशा से आदत रही है बड़े मजाक करने की। चलो अंदर। केयरफुल केयरफुल, हॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हो ना। यू नो व्हाट, हमारे लिए तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, लेकिन हमारे लिए तुम्हारा बचपना है। एक बात बताओ, तुमने देव को अपना पर्सनल ड्राइवर रखा ही क्यों? नहीं रखना चाहिए था ना। लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहां हो, और अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे तो खुद अपनी थ्योरी बना लेते हो, कौन तुम्हारा दुश्मन है कौन तुम्हारा दोस्त। और बड़ों की बात सुनना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर मिस्टर नो ऑल। बस भी करिए, इसकी हालत तो देखिए, ही नीड्स रेस्ट। हाँ हाँ जीजा जी, सही कह रही हैं दीदी यार। अरे बेचारा बच्चा है, अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए। लेक्चर देने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए अब आगे क्या करना है, इसकी चोट का फायदा कैसे उठाना है। फायदा? मानविंदर जी ने उस दिन गुस्से में आकर हमें धमकियां दी, आगे चलकर उन्होंने हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस से भी कुछ नहीं कहा, जबकि प्रेस रोज उनके घर के सामने खड़ी रहती यही पूछने के लिए कि शादी क्यों नहीं हुई। मलिक इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिरे पब्लिक की वजह से, क्योंकि मार्केट को ये पता ही नहीं कि हमारी कंपनी सॉलिड है या नहीं। ऐसे में हमें मानविंदर जी को जताना होगा कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे घर के बच्चों पर हमले हो रहे हैं। अब देव तो हमारा रहा नहीं, उसे इस्तेमाल करके अमला को जुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे शूट आउट की कहानी हम प्रेस में लीक कर सकते हैं। बेचारी माही पहले से इतनी दुखी है, सुवीर का दिल भी उतना ही चूर चूर हो गया जितना कि माही का, और सुवीर ने
माही की याद में पागल होकर अपनी जान लेने की कोशिश की और मैंने अपने भाई को ये पागलपंती करने से रोका। हम दोनों के बीच में मेजर हाथापाई हुई और उसी चक्कर में मुझे गोली लग जाती है। Absolutely right. मुझे कह रहे थे कि मैं फिल्मी हूं। आप दोनों तो एकदम सॉलिड बॉलीवुड। वाह मामा जी वाह, आपका ये फॉर्मूला सॉलिड है। हा? करो जो करना है करो। ऐसा तो है नहीं कि मैं माही को जाके सब कुछ सच बता दूंगा। उठा लो, मेरी इस हालत का इतना फायदा उठाना है, उठा लो। डर मत, तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तो क्यों आया? हाय ये लड़की ना मिंजो किसी दिन भूखा ही मार देगी। ए मन्नो, अपनी बुआ को बोल कि मम्मी को कोई चाय पानी पूछ ले, अरे नाश्ता ही दे दे। मम्मी भूपा जी आए हैं। कौन भूपा जी? ये भूपा जी। जानना चाहता हूं सच। आप क्यों जानना है सच देव, जब इतने महीनों से झूठ को ही अपना सच बना लिया करते हैं, तो अब क्या फर्क पड़ता है देव? मेरे सच या झूठ से क्या बदल जाएगा? अरे कहां गायब हो गए राणा जी? कहां गायब हो गए? फोन तो उठा। हेलो, गजब हो गया, गजब हो गया जी। अरे वो देव आ गया। देव? देव? अरे भाई भाई वापस घुमा ले इसको, अरे जल्दी घुमा। आप के आने तक तो यहाँ तो लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। ठीक है आ रहा हूँ। हाँ तो देव आया है, पता नहीं मुझे। अरे भाई जल्दी करना यार। बदल तो उस रात को गया था, मेरा प्यार, पिंड में मेरी इज्जत, मेरी लाडी, सब बदल गया था। हमने तो यहाँ चली आई, पता लोग पिंड में क्या क्या बातें कर रहे थे, मेरी खिल्ली उड़ाते थे, सब कुछ लुट गया अमला मेरा। सब कुछ लुट जाने का मतलब समझते भी होते? बड़ी कठिनाई सहनी पड़ी ना, कितने दर्द से गुजरना पड़ा तुम्हें। एक बार भी पूछा? एक बार
कि उस रात मैंने क्या क्या खोया। मैं समझता हूँ। कैसे कैसे समझ सकते हो? समझने की तो कभी कोशिश ही नहीं की ना थे तुम्हें, तो बस इस बात का गम था कि मैं मैली हो गई हूँ। जैसे कि मैं कोई चीज हूँ जब तुम्हारे किसी काम की नहीं। अगर समझा होता ना दे तो आज हम इधर नहीं होते। अगर मेरा साथ दिया होता तो आज हमारी कहानी कुछ और ही होती है। लेकिन तुमने कभी नहीं समझा दे, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह थी। तू क्या कह रही है लाड़ी? लाड़ी नहीं हूं मैं तुम्हारी अब। तू जानना चाहती ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे? गोली मारती उस इवान को, पर वहां जाके ना एक और सच के बारे में पता चला, ये सबीर का सच। अरे अगर ये शुरू नहीं करता ना तो वो हादसा तेरे साथ होता ही नहीं। रात सब तूने शुरू किया था अबीर, और मैं खत्म करूंगा। तू जानना चाहती ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे? गोली मारती उस इवान को, पर वहां जाके ना एक और सच के बारे में पता चला, ये सबीर का सच। अरे अगर ये शुरू नहीं करता ना तो वो हादसा तेरे साथ होता ही नहीं। रात सब तूने शुरू किया था अबीर, अब मैं खत्म करूंगा। Thank you.